में हूँ निवेदिता। कहते हैं इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, कर्मों से ही इंसान महान बनता है। ऐसे ही एक महान खिलाड़ी की एक और महानता के बारे में आज हम आपको बताएंगे। नाम है महेंद्र सिंह धोनी और काम है देश हित के बारे में सोचना। इस खिलाड़ी का देश प्रेम किसी से छिपा नहीं है। एक तरफ जहां धोनी ने अपनी कप्तानी में टीम को आईसीसी की तीनों ट्रॉफीज जिताई, तो वहीं धोनी अब कश्मीर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। धोनी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर वक्त देश हित के बारे में सोचते हैं। धोनी को जब भी देश सेवा का मौका मिलता है तो वो कभी इससे पीछे नहीं हटते हैं। अब एक बार फिर धोनी की देश हित की सोच सामने आई है। धोनी जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के साथ ट्रेनिंग में व्यस्त हैं, लेकिन वादी से खबर सामने आई है कि वो कश्मीर के युवा क्रिकेटर्स के लिए कुछ करना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो धोनी कश्मीर में क्रिकेट एकेडमी खोलना चाहते हैं, जहां वो कश्मीर के युवा क्रिकेटर्स को मुफ्त ट्रेनिंग देंगे। जानकारी के मुताबिक धोनी इस प्रोजेक्ट को लेकर खेल मंत्रालय से बातचीत भी करने वाले हैं। धोनी के इस फैसले तो ये तो साफ जाहिर होता है कि धोनी कश्मीर के लिए कुछ करना चाहते हैं। आपको बता दें कि कश्मीर में एक से बढ़कर एक टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। परवेज रसूल और मंजूर डार ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल में जगह बनाई है। हाल ही में कश्मीर के तेज गेंदबाज रसिक सलाम ने भी मुंबई इंडियंस के लिए डेब्यू किया था। ऐसे में अगर कश्मीर में धोनी अपनी क्रिकेट एकेडमी खोलते हैं तो वहां के युवा खिलाड़ी क्रिकेट के गुर और तेजी से सीख सकते हैं, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि वो धोनी जैसी खेल भावना को भी सीख पाएंगे। खिलाड़ी के पास खेल के साथ अगर खेल भावना और मैदान पर खेल को समझने की समझ हो तो खिलाड़ी ज्यादा अच्छी तरह से अपने खेल को दिखा सकता है, और ये बात धोनी से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। वैसे आपको बता दें कि धोनी साउथ कश्मीर में सेना के साथ ट्रेनिंग में व्यस्त हैं। उन्होंने 31 जुलाई को साउथ कश्मीर में विक्टर फोर्स का कैंप ज्वाइन किया था। ये यूनिट कश्मीर के सबसे ज्यादा आतंक प्रभावित जिलों जैसे शोपियां और अनंतनाग में काम करती है। 15 अगस्त को धोनी की ट्रेनिंग का आखिरी दिन है और खबरों की माने तो धोनी इस दिन लेह में तिरंगा भी फहरा सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो ये धोनी के लिए वाकई में एक ऐतिहासिक दिन होगा।